अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग गुरु बाबा रामदेव के साथ हरिद्वार में योग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम उत्तराखंड को योग और अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। वहीं बाबा रामदेव ने कहा कि हम सभी को योग युक्त और नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मुझे पतंजलि योग पीठ में हजारों लोगों के साथ 2.5 घंटे योग करने का अवसर मिला है। योग केवल योग दिवस के ही दिन नहीं बल्कि हर दिन करना चाहिए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हम उत्तराखंड को योग अध्यात्म और संस्कृति के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का आध्यात्मिक केंद्र है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड योग अध्यात्म और उद्योग के क्षेत्र में बड़ा योगदान दे रहा है। जल्द ही यहाँ पर ग्लोबल समिट भी आयोजित किया जाएगा जिसमें देश विदेश से लोग आएंगे। यहाँ पर हजारों 20,000 से भी अधिक लोगों के साथ और 2.5 घंटे तक पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में सभी ने योग की विधाएं सीखी। हम उत्तराखंड को योग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, जो पूरे भारत का ही नहीं विश्व का हमारा केंद्र है, हम उसी दिशा में उत्तराखंड को विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आज योग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान उत्तराखंड के अंदर हो रहा है। उसको आगे बढ़ाएंगे और जल्दी ही हम एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी उत्तराखंड के अंदर करेंगे जिसमें देश दुनिया के सभी लोगों को उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित करेंगे। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने योग किया। पतंजलि योग पीठ में भी 20,000 से ज्यादा लोगों ने योग किया। बाबा रामदेव ने कहा कि उत्तराखंड को योग युक्त और नशा मुक्त बनाकर आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित करना है। इस संकल्प के साथ आज योग दिवस मनाया गया है जिसमें हर धर्म के लोग शामिल हुए। नोवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत में कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकल करके योग के लिए निकले, यह एक योग का अप्रतिम जलवा है। और इस योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म के माध्यम से एक राष्ट्र धर्म की एक नई आगाज, युग धर्म का एक नया स्वर गुंजायमान हुआ है। और यूएनओ में देश के प्रधानमंत्री योग कर रहे हैं। आज उत्तराखंड में 20,000 से अधिक लोगों के साथ प्रदेश के सबसे युवा ओजस्वी पराक्रमी हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी हमारे साथ 2.5 घंटे से अधिक कालखंड तक निरंतर योग किया। और सरकार का भी स्लोगन है उत्तराखंड का, विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के द्वारा संकल्प से सिद्धि की यात्रा को पूरा करना है। योग युक्त, रोग मुक्त और नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।